Dear friends, today we are meditating on the promised verse taken from 2 Samuel 22:20. मेरे मित्रों, आज हम दूसरा सैमुएल 22 उसका 20 पे मनन करने वाले हैं। It says, He brought me out into a broad place. He delivered me because He delighted in me. यहाँ ऐसा लिखा है, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुँचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझ पर प्रसन्न था। Yes, my friends, today God will deliver you because He delights in you. जी मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे क्योंकि वो आपसे प्रसन्न हैं। He will take you and put you in a broad place. वो आपको लेकर एक विस्तृत स्थान पे स्थापित करेंगे। Today you might be saying there are a lot of people plotting against me. शायद आज आप कह रहे हैं कई लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। I have enemies wherever I turn. मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा बहुत शत्रु है। It feels like I'm walking through fire. ऐसा लगता है मैं आग से गुजर रहा हूँ। My friends, David in the Bible went through the exact same thing. मेरे मित्रों, बाइबल में दाऊद भी इसी तरह की स्थिति से गुजरे थे। He says in Psalm 66:12. भजन संहिता 66:12 में ऐसा कहते हैं। People are riding over my head. घुड़चौरों मेरे सिर के ऊपर चल रहे हैं। It feels like I'm walking through fire and water. ऐसा लगता है मैं आग और पानी से होकर गुजर रहा हूँ। Yes, he had a lot of enemies. जी हाँ, उनका बहुत शत्रु था। He was hiding from them. वो उनसे छुप रहे थे। And he was facing a lot of distress in his life. अपने जीवन में कई संकट को सामना कर रहे थे। But my friends, लेकिन मेरे मित्रों, God delivered him. परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। Because he delighted in him. क्योंकि वो उनसे प्रसन्न थे। And he made him a king. उनको राजा बनाया। Ruler over a big nation. एक बड़ा देश का शासक बनाया। That's what God is going to do for you. एक काम परमेश्वर आपके लिए करेंगे। David also writes in Psalm that God made him sit beside the quiet water. दाऊद भजन संहिता में ऐसा भी लिखते हैं, परमेश्वर उन्हें सुखदायी जल के झरने के पास बिठाते हैं। Walk beside green pastures. हरी हरी चराइयों के पास से मुझे ले चलते हैं। Yes, that is how God is going to lead you. जी हाँ, परमेश्वर आपकी भी ऐसे ही अगुवाई करेंगे। He delights in you, my dear friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। He will deliver you from all wickedness. सारी दुष्टता से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। All of your enemies. आपके सारी शत्रुओं से। And he will put you in a broad place. वो आपको एक चौड़े स्थान पे स्थापित करेंगे। Safe place. सुरक्षित स्थान पे। Where no one can touch you. जहाँ कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। So be of good cheer. आप हर्षित हो जाएं। God is with you. परमेश्वर आपके संग हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। Lord Jesus, I pray for everyone watching this program. प्रभु यीशु, हर एक दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Today they may say a lot of people are against me. शायद आज जो कह रहे हैं कई लोग मेरे खिलाफ हैं। I'm not able to prosper in any of my work. मेरे कोई भी काम में मैं संपन्न नहीं हो पा रहा हूँ। It feels like I'm walking through fire. ऐसा लगता है कि मैं आग से होकर गुजर रहा हूँ। But Lord, as you delight in them. लेकिन प्रभु, जैसे आप उनसे प्रसन्न हैं। Deliver them. आप उनको छुड़ाएं। From all their enemies. उनके सारे शत्रुओं से। And take them and put them in a safe place. उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थापित करें। While you are with them to guard them. जहां उनके संग रह के आप उनकी सुरक्षा करेंगे। When no evil power can touch them. जहां कोई भी दुष्ट शक्ति उनको स्पर्श नहीं कर सकता। Thank you for keeping them safe within your arms. उनको अपने बाहों में सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद। Bless them today. आज उनको आशीष दें। In Jesus name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. Amen. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें।